गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास स्टार्ट करता है तो पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में आपको मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, जैसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। देखो प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड होता है, वो होता है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। मीन्स सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर हम जिसका उपयोग करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू। ठीक है, तो मतलब इसका मैंने आपको दो एग्जांपल लिखे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें क्या लिखा है हमने, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो देखो मैंने कल आपको बताया था नाउन में कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, मैंने आपसे बताया था आपको। तो यहाँ राम है, तो राम यहाँ पर नाउन है, तो हमें इसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो हमने किसका यूज़ किया, ही, मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो राम की जगह हमने किसका यूज़ कर लिया, ही। अगर हम राम की जगह ही का भी यूज़ करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर वो नाम शो नहीं करेगा, बस हाँ ही है तो मतलब कोई लड़के के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, सीता है, उसी तरह सीता की जगह हम सी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह हमें पर्टिकुलर नाम का पता नहीं चलेगा, बट हम सी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लड़की है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो लड़के होते हैं उनके साथ ही का यूज़ होता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनके साथ सी का यूज़ होता है। ठीक है, मैंने प्रोनाउन में आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ इसका करा रही हूँ आज, कि जिससे कि आपको अगर डिफाइन याद हो जाएगी और एग्जाम्पल आपने कर लिया तो आपको प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे की चीज़ें जो ये हैं इसका एक्सप्लेन हम कल करेंगे। इंग्लिश में सिर्फ आपको इसके डेफिनेशन ही याद करनी है प्रोनाउन का। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी पे आते हैं। हिंदी में हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का मतलब होता है शब्द अनेक है, लेकिन उन जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिसका सिर्फ एक ही शब्द है, निर्बल। ठीक है, जैसे देखो जिसमें बल ना हो निर्बल, ठीक है, जिसका दोष हो दोषी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जो गाना गाती हो गायिका, जो पुरुष कविता रचता है कवि, जो गाना गाता हो गायक, जो कभी ना मरे अमर। मैं आपको दोबारा करा देती हूँ, जिसमें बल ना हो निर्बल, जिसका दोष हो दोषी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जो गाना गाती हो गायिका, जो पुरुष कविता रचता है कवि, जो गाना गाता हो गायक, जो कभी ना मरे अमर। ठीक है, तो ये कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिन्हें आपको याद करना है और लिखना भी है। तो ये चीज़ मैं आपको जब आपका स्कूल रिओपन होगा उसके बाद मैं आपसे ये सुनूंगी, तो इसको प्रिपेयर करके रखना। ज़्यादा नहीं दिए मैंने, 7 ही दिए आपको। ठीक है, तो इसको आप लर्न राइट दोनों कर लेना। देखो उसके बाद हम आते हैं मैथ्स पे, टेबल पे। मैंने आप मैथ्स के टेबल पे आते हैं, मैंने आपको टेबल कराया था 2 से 10 तक, मैंने आपको टेबल करा दी थी। आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को याद कर लिया, वो 2 से 10 तक की टेबल, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। तो आज मैं ना फिर से आपको टेबल कराती हूँ 11 to 13, केवल मैं आपको 11 to 13 की ही टेबल करा रही हूँ। ठीक है, देखो टेबल अगर आपको क्लियर हो जाते हैं ना, अगर टेबल आपको लर्न हो जाते हैं ना, तो कई चीज़ आप मैथ्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ मैथ्स में इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते कि वो टेबल ही याद नहीं होती, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते, है ना। तो अगर हम टेबल पहले अच्छे से याद कर लें तो आगे हमें आसानी होगी। तो सिर्फ आपको टेबल 11 से 13 ही याद करना है। ठीक है, उसको लिखना भी है और याद भी करना है, और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही याद करना है। ठीक है, तो ये टेबल आप कर लेना, और जो 2 से 10 तक मैंने आपको टेबल कराई थी उसको भी रिवाइज कर लेना, तो आप 2 से 13 तक टेबल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क हो गया, और मैथ्स में आप 2 से 13 तक टेबल रिवीजन कर लेना और 11 to 13 आप अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना। ठीक है,